उसी बज़्म है ये, और मेरे ख़्याल से ऐसी महफिलें शायद अब बहुत दिनों तक, दिनों के बाद देखने में नहीं आएंगी। और इस महफिल की खुसूसियत का की बुनियाद है जनाब गुलजार देहलवी, अनंत मोहन जुत्सी गुलजार देहलवी। तो हम यहाँ पर एक सदी के बीच में बैठे हुए हैं। ये सदी के उस सिरे पर गुलजार साहब हैं, इस सिरे पर हम लोग हैं, और इस बीच में उर्दू अदब, उर्दू ज़बान, शायरी, तहजीब, उसकी अकदार, उसका रस, रंग, भाव, सब बहुत उसमें तब्दीलियां भी आई हैं, कुछ तरक्कियां भी हुई हैं, कुछ जवाल भी आए हैं। तो हम जो बात करेंगे गुलजार साहब से, वो एक तरह से उस पूरी सदी को समझने की, देखने की कोशिश भी होगी, और आज के आईने में उसका रंग, उसका चेहरा देखने की कोशिश भी होगी। तो गुलजार साहब ऐसे शख्स हैं जिनको ये कहा जाए कि उर्दू तहजीब मुजस्सम शक्ल में अगर देखनी हो तो क्या चीज़ होगी, वो गुलजार देहलवी साहब हैं। आज पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ भी उर्दू बोली जाती है, गुलजार साहब आखिरी शख्सियत हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि वो सांचा जो जिसने गुलजार साहब को ढाला था, वो अब टूट गया है, लेकिन अब गुलजार देहलवी जैसा कोई शख्स और ऐसी कोई शख्सियत पैदा नहीं होगी। ये अफसोस की बात भी है, लेकिन ये एक वक्त का जो धारा है उसको हम रोक नहीं सकते, तब्दीलियाँ आती रहती हैं, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि उन्हें अपने जहन में, अपने ख्यालों में महफूज रखें और रोशनी हासिल करें उससे। तो गुलजार साहब, हम पहले भी बातें करते रहे हैं, आज फिर ये मौका है। तो ये जो हमारे बहुत से नए लोग हैं जिनको पता नहीं है कि आज से 40 साल पहले, 50 60 साल पहले दिल्ली में उर्दू कैसी थी, कैसे बोली जाती थी, कैसे लोग बरतते थे उसको, शख्सियतें क्या थीं, तो आप ज़रा अपनी यादों की रहगुज़र पर। भाई, तकसीम और आज़ादी से पहले जो बुजुर्गान अदब की, उस्तादुल असातिज़ा लोगों की, उलमा की महफिलें मैंने सन 33, 34, 35 से देखी और बैठा, उसमें नशस्तो बरखास्त की भी तहजीब थी, और नंगे सर कोई नहीं आ सकता था। एक खाली, चाहे वास्कट हो, खाली कुर्ता पजामा या कमीज पैंट पहन के नहीं आते थे। नशस्त फर्शी भी और तख्तों पर भी गांव तकिए लगे होते थे। आप सबसे पहली तख्त पर तो सदर और कुछ बुजुर्गान अदब जैसे बेखुद साहब, साहिल साहब, कैफी साहब, जार साहब, मौलवी अब्दुल हक, अब साली के पाकबाज मौलाना पंडित अमरनाथ मदन साहेब, बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक, सीमा अकबर आबादी और नवाब साहिल, मेरे अब्बा जार साहब और अल्लामा ब्रज मोहन दत्तात्रेय कैफी, ये लोग और नू साहब, ये तो स्टेज पे बैठते थे, बड़ी स्टेज पे, आगे सदर और नकीब मुशायरा या जो तारुफ करता था कंपियर वो बैठता था, बाकी आगे की सफ में सबसे आगे मशाहिर अदब बुजुर्गान सफ़े अव्वल, उसके पीछे दूसरे लोग जो 40 से 60 बरस की उम्र के, और उससे पीछे आगे तक वो लोग जो 15-18 बरस से और
35 40 बरस के थे वो बैठते थे, इल्ला दो तीन आदमी जो माजूर थे उस वक्त चले। जिगर साहब वो ज़रा सी देर तख्त पे बैठ के कोने में जा बैठते थे, उनके लिए अलग एक छोटा गद्दा और एक तकिया रख दिया जाता था, बाकी तमाम हजरत दाग के शागिर्द हाली के शागिर्द वो तो सब बड़े तख्त पर स्टेज के बराबर बैठते थे। उसके बाद जोश जिगर फिराक हफीज फैज जाफरी और इस तरह, उसके बाद अनवर साबरी शेरी भोपाली और जो उस वक्त जवान थे, मैकश अकबर आबादी आलम फतेहपुरी फना निज़ामी कानपुरी मिन जानिब रहमतुल्लाह अलैह गुलजार देहलवी और मेरे मां शकील बदायूनी मैशर बदायूनी नक्शब जारचवी कामिल कमाल अमरोही और उसके बाद शमीम जयपुरी और एक शकील के साथ और थे दोस्त, बोल रहा हूँ। खैर हम लोग एक जगह बैठते थे और पंडित साहब दाढ़ी पे हाथ फेर के ज़ाहिर गालिब उस ज़माने के आदमी, जहाँ मैंने जोश और जिगर को भी कसम खुदा की दो जानू बैठे देखा वो जगह साहिब, अगर किसी ने बहुत ऊंची आवाज में कुछ कहा या कुछ गुफ्तगू तो दाढ़ी में साहिबान ये महफिल अदब है और सन्नाटा, तो वो दौर तो ऐसा था भाई। अच्छा ज़्यादातर पहले दो दिन दो रात तरही मुशायरे होते थे, गैर तरही मुशायरे आखिरी दिन एक शब गैर तरही मुशायरों की, आप अपना मुंतखब कलाम जो चाहे सुनाए। तो कई दिन चलता था मुशायरा, कई दिन लगातार चलता था मुशायरा, दो दिन तीन दिन जी। और पांच छह आदमी यंगर उस्तादों के बाद ऐसे थे गजलों के तरही गजलों के अलावा जिनसे नज़में सुनी जाती थी, और उन मंजूमात में फैज जाफरी मैं साहिर और अनवर साबरी एक दो और जैसा ये हम लोग नज़में सुनाते थे, कौमी सियासी अदबी तारीखी नज़, बाकी तरह ही मुशायरे होते थे, नज़में बहुत कम लोग। हाँ मुझे और जाफरी को हर जगह बर्दाश्त किया जाता था कि क्योंकि मैं कौमी सियासी इनकलाबी वतन परस्ती की नज़में लिखता था, ये तो नवाब साहिल के कहने से और दो तीन और बुजुर्ग नूह साहब के कहने से मैंने तगज़ुल और खुमरियात की जमालियात की रिंदी की शायरी तो उनके कहने से बाद में शुरू की है। कहने लगे मियाँ ज़ार साहब के बेटे हो और दाग स्कूल के आदमी हो, खाली नज़में ही पढ़ते रहोगे, अंग्रेज का ज़माना तो गया अब तुम्हारे, तब गज़लियाँ शुरू की और फिर गज़लों में भी रुबाइयाँ और गज़लियात वो कही कि पूरी कुफरियात हो गई। अच्छा साहब ये अभी हम जिक्र कर रहे थे ना मुशायरों का, आपने जिक्र किया मुशायरों का, हाँ तो ये एक जो बताया आपने किस तरह से नशिस्त होती थी कि स्टेज पर असाज़ा बैठे हुए हैं और सामने साफ़ीन दामीन में भी एक तबका है। छह मुशायरे तारीखी थे जी, दिल्ली लखनऊ रामपुर पटियाला लाहौर कराची और एक जगह और थी अमरोहा मुरादाबाद, यहाँ ज़्यादातर ऑल इंडिया मुशायरे यहाँ होते थे। इसके बाद कभी कभी जोधपुर में कन्नौज में अजमेर में वहाँ भी हुए मगर कम, मरकज असली वो थे और वहाँ जदीद ज़माने के बाद भी कुर्सियाँ सबसे आखिर में बिछती थी, तख्त फर्श और तकिए गद्दे और कुर्सियाँ बिल्कुल एंड आखिरी दो, जो कुर्सी पे बैठने वाले हैं
वो पीछे बैठेंगे। अच्छा, कोई ऐसा इंतजाम था कि सामईन में ऐसे लोग ना आने पाए जो शेर फहम ना हो, मतलब जो शेर नहीं समझते या उसका एहतराम नहीं कर सकते? तो अब जो भीड़ आती है ना, हजारों की भीड़ आती है, अब उसमें से 60 से ज्यादा परसेंट मैंने जो कई उनको शेर से कोई लगाव नहीं होता। मैंने कई बड़े ऐसे मुशायरे भी देखे हैं कि उस वक्त भी 1,000-1,500 आदमी मैक्सिमम माने जाते थे जी। कम से कम 100-200 और 1,000-1,500। अच्छा मुशायरा किसे समझते थे? है? अच्छा मुशायरा किसे समझते थे जिसमें सुहन फहम, यानी अगर पास भी रखे गए हैं तो पास बांटने वाले ये देख के कि ये उर्दू पढ़ा लिखा है कि नहीं, किसी उर्दू स्कूल कॉलेज का है कि नहीं, या किसी बड़े आलिम दीन या आलिम अदब का शागिर्द है करीब का, मैं उसको अलाउ करते थे। हर कसो ना सक हुटिंग का तो सवाल ही नहीं था। लायलपुर के मुशायरे में जो सन 42 से सर श्रीराम के बड़े लड़के मुरलीधर शाद लायलपुर कॉटन मिल में सन 43 से ऑल इंडिया, मेरे पास भी कुछ उसकी किताबें हैं जो मैंने दिल्ली क्रॉसिल वालों को भी प्रेजेंट की हैं। वहाँ एक मर्तबा वो अख्तर शीरानी ने ज़्यादा पी ली ड्रिंक और कुछ बोलने लगे। हरीचंद अख्तर कहने लगे, मियाँ इधर छुप जाओ मेरे पीछे, अभी अगर आवाज़ कैफी साहब या बेखुश साहब या हजार साहब तक पहुंच गई तो वो धक्के दिलवा देंगे। तो ऊँचे से अब थोड़ी देर में उनको हड़ास फिर हुई, कहने के पेशाब करने जाऊँगा, बाहर गए। अख्तर शीरानी तारीखी आदमी, कोई मामूली शायर नहीं था, वो बाहर गया पेशाब के बहाने और इतनी पी ली कि जो एक पलंग वहाँ बिछा हुआ था जमीन पर वहाँ लेट गया। एक घंटे बाद अख्तर पंडित हरिचंद अख्तर और शेरी ने कहा, यार उसको तो देखो कहाँ गया। अब कुछ लोग गए तो वहाँ पड़ा था जमीन पर, तो पहले अंदर ले गए, दूसरे बराबर कुछ नहलाया, शराब का नशा तोड़ने वाली कुछ अद्वियात खिलाई और बिल्कुल नॉर्मल करके एक घंटे बाद आया और आके मुरलीधर शाह से कहा, सर श्रीराम के बेटे से, कि यार इनको पहले पढ़वा दो। मगर अख्तर शीरानी ने जिस खूबी से, जिस खुलूस और जिस अंदाज में पढ़ा, ये मालूम ही नहीं होता था कि अभी शराब में डूबा हुआ था भाई। मुशायरा लूट लिया यूं कहिए, बेपनाह। आपने वो मुशायरे पढ़े हैं जब ये माइक्रोफोन नहीं आया था, जब ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम नहीं आया था भाई? ये माइक्रोफोन तो सन 43-44 के बाद शुरू हुआ है। 43-44 से पहले सब बगैर माइक के होते थे। और हाँ, जयपुर के मुशायरे में कोई ऐसा अंदाज था कि ये तो नहीं था, कोई ऐसी मशीन थी जो वो बीच में रख दी उन्होंने बड़ी सी, और शायर जब आ रहा है तो उसके जरिए आवाज जा रही है, इंडिविजुअल माइक नहीं थे, समझे? और मैंने वो देखा तो मैंने पूछ लिया, बल्कि वो एक मुशायरे में वहाँ भावलपुर और लाहौर के मुशायरे, मैंने कहा नवाब साहिल के बेटे से कहा, कुतुबुद्दीन फसी इब्ने साहिल, मैं भाई फसी यार ये आवाज़ कैसे जा रही है, यहाँ तो माइक वाइक तो है। कह लगे वो जो देख रहा हो ना बीच में, तुम्हें अंगीठी से नजर आती है, वो कोई चूल्हा अंगीठी नहीं है, वो आवाज़ पकड़ता है और वहाँ से ये आवाज़ ना शुरू। जबकि आप ये समझते हैं कि ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो है इसके आने से मुशायरों के मेयार में कोई कमी आई, इसलिए कि आप बहुत दूर तक आपकी आवाज़ पहुंचने लगी? देखिए मुशायरों के मेयार में कमी आई है तकरीबन जवाहरलाल और मौलाना आज़ाद के
जाकिर हुसैन के बाद से फखरुद्दीन तक भी गनीमत था, उसके बाद से जो मुशायरों का रुख बदला है। तो भाई माफ करना, मुशायरे तो सारी दुनिया में, सारे 64 मुल्कों में हो रहे हैं, यहाँ भी कोने कोने में हो रहे हैं, लेकिन जो तारीखी मुशायरे 90-95 तक हो गए नहीं। उनका जवाब। अच्छा, फिर एक और भी बात है, 90-95 के बाद रवादारी के लोग, वजादारी के लोग, तरहदारी के लोग, कौमी यकजहती के लोग, तमाम अफराद को, अदियान को, मजाहब को, अकीदों को साथ लेके चलने वाले खत्म होते जा रहे हैं लोग। फिर दोबारा पार्टीशन के बाद जो फजा कुछ बरस रही, फिरका परस्ती, तासुब और नफरत की तिजारत कर रहे हैं। जराइम और वजीर एक तरह के हो गए, जराइम मुजरमीन और बड़े बड़े नेता सब ने मुजरिमों से समझौता कर लिया है, फिरका परस्ती और नफरत को हवा दे रहे हैं। मगर इसके बावजूद आज भी जो पुराने शख्सियत को देख चुके हैं, आज भी कॉलेजों के नौजवान तक आज भी ऐसे हैं, जहां मुशायरा होता है वहां पहले से ऐलान कर देते हैं कोई हूटिंग नहीं करेगा, तवज्जो से सुनेंगे, जिनको शौक है, समझ में आता है वो यहाँ बैठे, वरना नहीं। अभी दिल्ली में एक बड़ा हॉल शंकरलाल हॉल है बनाया हुआ, यूनिवर्सिटी लाला शंकरलाल नहीं बनाया था, DCM वालों ने, वहाँ एक मुशायरा हुआ, वहाँ पता नहीं क्या समझ के कि कोई ड्रामा है, कोई नाच गाना, कोई 10-20 ऐसे भी लौंडे आ गए, सबको निकाल दिया मुंतजमीन ने कि नहीं, यहाँ जो आदमी हिंदी उर्दू पंजाबी के अदीब और शायर और उनके साथी तो आ सकते हैं, लिटरेरी आदमी या उनके साथी। तो मैंने अब भी देखा हिंदू कॉलेज, कमर्शियल कॉलेज, DAV कॉलेज, वो जाकिर हुसैन कॉलेज और वो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, आज भी उनकी अदबी महफिलों में वो तहजीब ढोल रहा है। अच्छा, मुझे तो जहाँ बुलाते हैं मैं पहले कह देता हूँ कि जहाँ उर्दू के सामईन और शेर परस्त अदब नवाज ना हो, ऐसे ऑडियंस को मत कहले जी हमने बाई इन्विटेशन या बाई पास बुलाया। तो मैंने देखा कि कॉलेजों में भी अब तक होते हैं मुशायरे, मगर इसमें कोई शक नहीं, अक्सर और बेशतर 90% मुंतखब सुनने वाले मुंतखब सुनाए। तो ये तो आपने 50 साल की का पूरा अपना सफ़र देखा है मुशायरों का, तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि बड़े जो अवामी मुशायरे हो रहे हैं वो बुनियादी तौर पर कि उनकी बुनियाद जो है वो तिजारत। हाँ, अब तो तिजारत ने सियासत को भी बर्बाद कर दिया। तो आपके ज़माने में जो आपने आगाज जब किया तो उसमें फाइनेंसेस, हमारे उस ज़माने में जब तक ये असातिज़ा जिनके मैंने नाम लिए हैं, मशाहिर हाली के, दाग के नाम लेवा, उस वक्त तक पहले तो एक तरफ का किराया दिया जाता था, फिर दो तरफ का किराया, मुआवजा और नजराना। ये तिजारत जो आजकल के चंद शायर कर रहे हैं, सौदागर, मैं नाम नहीं लूँगा, चंद सौदागर शायर जो रेवड़ियों की तरह, जलेबियों की तरह कलाम बेच रहे हैं, वो कहते हैं 50,000, 60,000, 70,000। मियाँ, पहले 50,000 में पूरा मुशायरा हो जाता था, 30,000 में 40,000 में। तो उन लोगों को हमेशा बाइकॉट, साहिर साहब, हाजी साहब, जाफर अली खां, इनके ज़माने तक कोई ऐसी आवाज़ नहीं थी। ये अभी ये 25 बरस में ये तिजारत करने वाले मुजरिम, उर्दू को बदनाम करने वाले शायर ये आवाज़ फेरी लगा के पैसा मांगते हैं, लाओ इतना लाओ, इतना लाओ। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, 8 आदमी हैं जो 40-50 से शुरू होते हैं, 1,00,000 तक आवाज़ देते हैं,
नाम नहीं लूंगा, आपने अक्सर मुशायरों में जो आजकल बुलाए जाते हैं बड़े बड़े ऑल इंडिया में, 7-8 ऐसे निकम्मे हैं जो उर्दू को बदनाम कर रहे हैं, तहजीब को बदनाम कर रहे हैं, तरबियत को बदनाम कर रहे हैं, अखलाक को बदनाम कर रहे हैं। वो उर्दू के मुजरिम हैं, मुलजिम हैं। इनमें इन्हीं 7-8 में जो इस्लाह मांग रहे हैं, 3 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे इस्लाह ली है, कोई जानता नहीं था। लाल किले के मुशायरे में मैंने उन्हें पहली दफ़ा बुलाया 1946 से, और 1957 तक सिर्फ लाल किले के मुशायरे मैं करता था अंजुमन तामीर उर्दू की तरफ से। 56 में गवर्नमेंट ने हमको लिखा कि अब हम आपकी मदद करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट का पब्लिक रिलेशन के आपके साथ मिलकर कमेटी बनेगी। पहली कमेटी बनी, राधा रमन जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, लाला श्यामनाथ, गोपीनाथ अमन, मैं, सागर निजामी, बन्ने भाई सज्जा जहीर और लाला महेश्वर दयाल, ये 7-8 आदमी थे। गोपीचंद अमन भी थे, गोपीचंद गोपीनाथ अमन, कौन? गोपीनाथ अमन। हाँ, गोपीनाथ अमन जी, मैंने नाम लिया अमन साहब और उन्होंने। उसके बाद मैं इंदिरा जी के पास गया, मैंने कहा इंदिरा जी ये कमेटियाँ कब तक काम करेंगी? आपने वादा किया था मौलाना आज़ाद जब जिंदा थे, ये ऐलान हुमायूं कबीर ने किया था कि जो उर्दू गुरदार साहब ने मुतालबा किया है कि उर्दू के इदारे बनाए जाएं, एकेडमियाँ बनाए जाएं, वो मंजूर तो कर ली गई मौलाना के ज़माने में, लेकिन इंदिरा गांधी को हमने मंजूर किया। और प्रोफेसर अब्दुल हलीम अरबी के अलीगढ़ से जो आए थे, कौमी जो अब NCPUL है, उस वक्त उर्दू कौमी उर्दू क्या नाम था, खैर उसमें ब्यूरो था वो, तो ब्यूरो फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू। तो जनाब हमने ये मुतालबा, मैं इंदिरा जी के पास गया, राधा रमन ने कहा यार देखो तो बगैर अपॉइंटमेंट के तुम ही जा सकते हो कि तुम्हारा ख़ानदानी ताल्लुक भी है, समझे? इसलिए मैं गया बगैर अपॉइंटमेंट। अच्छा, राजीव तक, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल से राजीव तक मेरी गाड़ी अंदर जाती थी, सिक्योरिटी से उनके पोर्च के अंदर वहाँ जाती थी। मैं गया, क्या है? मैंने कहा आपने वादा किया, हुमायूं कबीर ने वादा किया, मौलाना के सामने ये ऐलान हुआ था, उनको गुजरे हुए जमान हो गए, आज अगर अभी उर्दू अकेडमियाँ नहीं बनी। एक हफ्ते में एक ऑर्डर मैं बाई हैंड लाया और राधा रमन जी को दिया कि लो जी 90-91 तक तो हमारी कमेटियाँ चलती रहीं अंजुमन तामीर उर्दू के बाद जो बनी, और 82 में 9 अकेडमियाँ पहले बनी, और 82 से शरीफुल हसन पहली उर्दू अकेडमी के सेक्रेटरी बने। शरीफुल हसन ने हमेशा हमको और गोपीनाथ अमन को हमेशा कंसल्ट किया, और कभी सागर को भी थोड़ा बराबर, उसके बगैर अकेडमी का काम अदीबों के लिए, शायरों के लिए, नक्कादों के लिए, प्रोफेसरों के लिए, तलबा के लिए, अलग अलग हमने स्कीमें बनाई, उस पर बड़ा काम होता रहा। ये शीला दीक्षित के बाद और शीला दीक्षित के दौर में कुछ डिग्रेडेशन शुरू हुआ, कुछ ज़ाती मफादात शुरू हुए, और उसके बाद कभी बढ़तर कभी कमतर, कभी बढ़तर कभी कमतर, वो बात नहीं। फिर एक ऐसा दौर आ गया कि उर्दू एकेडमी को चलाने वाले, मैं नाम नहीं लूँगा, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह वाले भी हुए, जीमदार जैद बकर, वो उन्होंने उसकी अपने अपने हलकों को बुलाना शुरू किया, मरकजियत को तोड़ दिया, हमागीर ऑल इंडिया शक्ल ही नहीं रही। आप मेरे भाई भतीजे हैं, आप इनके भाई भतीजे हैं, आप इनके यारे कार हैं, आप इनके हमनवा हैं, इनके साथ खाते पीते हैं, इनके साथ ड्रिंक करते हैं, इनके साथ ऐबो सवाब में शरीक है। फिर ऐसे
अपने अपने गिरोह बनने शुरू हो गए। आजकल वो लोग जिनको मैंने इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने मुझसे इस्लाह ली, वो आज उर्दू एकेडमी चला रहे हैं। अच्छा गुलजार साहब, ये तो अलग एक तबके को बुलाते हैं, अलग एक तबके को। आपने ऐसे घर में आग खोली थी। अब आपको मालूम होगा कि गुलजार साहब के वालिद शायर, गुलजार साहब की माँ ब्रज रानी बेजार दहलवी, इनके वालिद जार दहलवी, इनके भाई खार दहलवी, तो ये जो बताते हैं अक्सर कि इनके पूरे भाई और माँ और सब लोग जो है बड़ा सा निगेटिव और सा हम लगता तो है बेजार और जार। तो हाँ आप ही बताइए। मैं तो वो किताबें लेके आया हूँ जिसमें जवाहरलाल और मौलाना आजाद के अपनी किताब फ्रीडम फाइट फ्रीडम इंडिया विन फ्रीडम और दूसरी चंद किताब जिसमें इन सब के साथ जो मुशायरे हमने किए हैं उनकी मेरी भी उसमें फिर इंडिया विन फ्रीडम मौलाना की ऑटोबायोग्राफी तक में और दूसरी किताबें जो लाया सब में ये तस्वीरें और उनके कमेंट्स इसमें दिए हैं। इंदिरा आखिरी औरत थी जिसने तमाम शायरों की इज्जत करके बुला बुला के एजाज दिए और जवाहरलाल की तरह हर महीने वो अपने यहाँ मुशायरा करवाती थी। हर महीने कितनों को मैंने इंट्रोड्यूस किया। बहरहाल अब वो बात कर रहे थे ना, आजकल आजकल जरा खजा का मौसम भी आता है ना, खाली बाहर तो नहीं होती, आजकल कुछ खजा है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, पार्टियों की माइनॉरिटी, हर तरह के जो अकलियतें हैं आजकल उन पे फिर नजला गिर रहा है। मुजरिम जिम्मेदारों का, मुतासिब जिम्मेदारों का, गिरोह बंद, हल्का बकफ, एक फिरके के एक गिरोह, एक फिरके के एक गिरोह के लोगों ने जो हवा फजा फैलाई हुई है, ये अल्लाह लानत भेजे इन पर, ये पिछले 18 साल से मुल्क बर्बाद होना शुरू हुआ है। और वो बातें नहीं, आज भी उर्दू का जहां नाम होता है सारे मुल्क में घूम जाइए और बाहर, आज भी वहां एटमॉस्फेयर मालूम होता है नहीं ये हिंदुस्तान है, अभी कौमी यकजहती जिंदा है। जनाब 64 मुल्कों में एकेडमियां बन गई हैं, इदारे बन गए हैं, मुशायरे होते हैं। मैं 64 मुल्कों में तो मैं जा चुका हूँ, जहाँ पहले मस्जिद में 2-3 लड़के उर्दू पढ़ते थे वहाँ स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ भरी पड़ी हैं। अकेले सऊदी अरब के जद्दा में इंदिरा के ज़माने में हमने एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुलवाया, आज 15,000 लड़के और 8-9,000 लड़कियाँ, कोई एक सऊदी अरब की सारे दुनिया की वहाँ उर्दू और फारसी पढ़ रहे हैं और मुशायरे हो रहे हैं उर्दू। जुबैल में, बहरीन में, दोहा कतर में, दुबई अबू धाबी में और खलीजी ममालिक में, अरब आजम के ममालिक में, यूरोप के 25 मुल्कों में, अमेरिका के 14 स्टेट्स में रेगुलर मुशायरे और जलसे और सेमिनार और उर्दू पढ़ाई जा रही है। हाँ तो हम जो बात कर रहे थे कि आपका पूरा घर जो है वो उर्दू जबान और शायरी से भरा हुआ था। हाँ, क्या मतलब आप जो पैदा हुए जिस घर में, हाँ, तो अगर ये कहा जाए कि आप शेर कहते हुए पैदा हुए हैं तो ये बुरा नहीं होगा। बात यह है कि बाप शायर, दादा शायर, परदादा शायर, माँ शायर, माँ शायर, माँ 9 जबाने जानती थी, अब्बा 14 जबाने जानते थे। शाहजहां ने और बहादुर शाह जफर ने हमारे खानदान को 5 जगह जागीरें देके इसलिए बुलाया कि हाकिम की ज़बान और महकूम की ज़बान और वो ना इश्क का बयान कर सके ना दुश्मनी का, सुने कौन। तो कश्मीर से शाहजहां ने शुरू किया और दारा ने और जफर ने, दिल्ली, आगरा, मेरठ, लाहौर, पटियाला और सियालकोट, 6 जगह हमारे ख़ानदान को जागीरें देके ये कहा इनको ज़रा यहाँ की ज़बान। तो जनाब जैसे खुसरो ने शुरू किया था,
प्राकृतें अपभ्रंश खड़ी बोली मागधी मैथिली को उर्दू फारसी में मिला जेहाले मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया के ताबे हिजरा न दारा मैजा न लेहू काहे लगाए छतिया शबान हिजरा दराज चू जुल्फ रोजे वसलत चू उम्रे कोता सखी पिया को जो मैं न देखू तो कैसे काटू अंधेरी रतिया। मैंने ये कहा कि मीर गालिब ज़ौको मोमिन ने जिसे बख्शी जिला वो ज़बां नवाब मिर्ज़ा दाख की रखता हूँ मैं आठ सदियों तक जिसे पाला अवामुन नास ने फख्र है मुझको ज़बाने खुसरवी रखता हूँ। ख्वाजा खादगान के खादिम चिश्तिया ख़ानदान के खादिम जिसके बानी अमीर खुसरो थे हम हैं उर्दू ज़बान के खादिम। और ये मजमू है गौहर फिक्र जवा है मेरी कौसर में धुली तर्ज बया है मेरी दिल्ली जिसे कहते हैं वतन है मेरा उर्दू जिसे कहते हैं ज़बा है मेरी। और सुनिए तहरीक आज़ादी के 200 साल तारीख वतन हुस्न वफा है उर्दू तारीख वतन हुस्न वफा है उर्दू हर जर्रे पे भारत के फिदा है उर्दू आज़ादी की तहरीक पे डालो तो नज़र खुल जाएगा ये राज के क्या है उर्दू। भगत सिंह ने सुखदेव ने इनकलाबियों ने और शाहजहां और दारा के वक्त से और जफर के वक्त कौन सी ज़बान बोली। मैंने कहा पूछे कोई ये रूह जफर से जो ज़ौक हो मोमिन कहाँ है मीर कहाँ बिरहमन चंद्रभान बिरहमन पहला उर्दू का शायर बिरहमन कहाँ गुलजार आप रूह ज़बा अब हम ही से है दिल्ली में अपने बाद ये लुत्फ सुखन कहाँ गुलजार से उड़ जाऊँगा खुशबू होकर तारीख में रह जाऊँगा उर्दू होकर। उर्दू के खातिर सन 47 से और 76 तक कोई भड़वा बोलता नहीं था बड़ी बड़ी तोपें बड़े बड़े उस्ताद उस्तादा बड़े बड़े प्रोफेसर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल जबान नहीं खुलती थी। इंदिरा के बाद कुछ बोलने शुरू हुए थोड़े बहुत और ये शख्स जब उर्दू के नाम पर कत्ल हो रहा था सरबकफ और कफन बर्दोश एक पूरा जिहाद इस मुल्क में किया और फिर गैर मुल्कों में शुरू किया। 51 में जब जवाहरलाल ने पहली दफ़ा यूरोप भेजा 24 मुल्कों में नेताजी सुभाष बोस की भतीजी वो मुझे मेरी गाइड मुझे 24 मुल्कों में ले गई एक एक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक एक एकेडमी में 11 जबानों में मेरी नज़मों का तर्जमा करके सुनाया गया। और मैंने कौमी नज़में इनकलाबी हिंदुस्तान के वाली भी सुनाई और इश्किया शायरी भी शराब व कबाब पे भी भाई वहाँ तो शराब के बगैर बात होती नहीं हो भी नहीं सकती। तो मैंने चनाचे रंगी मैंने कहा कि भाई बदमस्त वो अल्लर सी कुंवारी पलके रातों की जगी नींद से भारी पलके उन पलकों पे जिस वक्त से डाली है नजर झपकी नहीं वल्ला हमारी पलके मरता हूँ जुदाई से जिला दे साकी माबूद से आबिद को मिला दे साकी अमृत नहीं देता है जो होंठों से तो फिर ला जहरी आंखों से पिला दे साकी रस्म कोहना को तोड़ दे साकी हूरो जन्नत भी छोड़ दे साकी अपनी आंखों से मेरे सागर में जिंदगानी निचोड़ दे साकी। इस खानदान की आखिरी रुबाई सुन ले क्यों जान मेरी जाने जहाँ खींची है पलकों से भी कांटों की जबा खींची है सुरमे से खिंचे तीर बजेरे अबरू लव कुश ने बराबर की कमा खींची है लव कुश ने बराबर की कमा खींची पी के धो घूट उनकी आंखों से दो गली मैं भी झूम जाता हूँ आसमां पर उछाल कर सागर चांद तारों को चूम लेता हूँ पी के दो घूंट उनकी आंखों से दो घड़ी मैं भी झूम लेता हूँ आसमां पर उछाल कर सागर चांद तारों को चूम लेता हूँ। वाह वाह क्या बात। तो आपने पहला शेर कब कहा था। अगर एक बात आखिरी कह दूं अगर आज भी इस बिगड़े हुए माहौल में
जिस दिन उर्दू खत्म हो गई या उर्दू को बिल्कुल स्कूल कॉलेजों में महदूद कर दिया गया, खत्म कर दिया, तौबा तौबा अल्लाह माफ करे, ये मुल्क फिर गुलाम होगा नफरत वालों का, कमीनों का, ग्रोहबंदों का, मुतासिबों का। और उस पर अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और चीन, ये चारों मुल्क आज भी तैयार बैठे हैं हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए, और ये बर्बाद कर देंगे अगर आपने अपना इत्तेहाद और यकजहती और नौए बशर की एकता। देखिए एक आखिरी बात, 10,000 बरस पहले यजुर्वेद ने कहा एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म है, एक खुदा दूसरा नहीं है। कुरान ने 1500 साल पहले कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ऋग्वेद ने 10,000 बरस पहले कहा ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत त्याम जगत, एक ईश्वर है तमाम दुनिया के जितने जगत हैं उनमें फैला हुआ, इदम सब जगह, यत किंच जगत त्याम जगत, दुनिया के हर मुल्क के कोने कोने में, तेन तकतेन वंजिता मगरिधा कस्य सुदिनम निरंकारम। कुरान कह रहा है रब्बुल आलमीन रब्बुल मगरबैन वल मशरिकैन, और कुल अल्लाह वाद अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकल लहू कुफुवन। तो वेद और कुरान तो एक ही बात कह रही है, आप क्या बक रहे हैं, वेद और कुरान तो एक ही बात। बहुत अच्छा भैया, आपने बहुत हमें अपने ज़िंदगी के बारे में और अपने जहन के कुछ मामलात से रोलगू शनाख्त कराया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर ये महफिल जारी रहेगी इंशाअल्लाह किसी मौके से, और यार जिंदा सोबत बाकी, गुलजार से उड़ जाऊंगा खुशबू होकर, तारीख में रह जाऊंगा उर्दू हो। गुलजार आबरू ज़बां अब हमी से है, दिल्ली में अपने बाद ये लुत्फ़े सुखन कहां।